दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल हिस्टोरिक प्लेस ले जाने वाली हूँ। ये जो जगह है वो उदयपुर से 102 किलोमीटर दूर स्थित है। ये अपने गौरवशाली इतिहास, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और राणाओं के राणा महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस होने का भी गौरव रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ के किले की, जिसकी दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी दीवार होने का भी गौरव रखती है और ग्रेट इंडिया वॉल है। और ना इंटरेस्टिंग बात, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब हम लोग किले की तरफ आ रहे थे तो ये जो भी नॉर्मली जो किले रहते हैं ना वो दूर से दिखता है, बट इस किले के तो पता ही नहीं चल रहा था ये किला है कहाँ। तो हमें ड्राइवर ने बताया कि ये किला इसीलिए इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ना ये जितने एनिमी रहते हैं ना, जितने भी दुश्मन हैं उनसे ये किला जो है छुपा रहे, वो उनको दिखाई ना दे। इनके आर्किटेक्ट का नाम मंडन था और के देखरेख में ये पूरा किला बनाया गया है। हाय गाइस, दिस इज नमिता एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग वीडियो। और आज हम लोग आए हैं कुंभलगढ़ के किले में और ये है राजस्थान में। तो मेरे पीछे आपको किला दिख जाएगा एंड हम लोग आए हैं फैमिली के साथ। तो माय सिस्टर, माय मामा एंड कुकू, पीछे वहाँ पे मेरा भाई और मेरे हस्बैंड भी हैं। तो हम लोग सबको फैमिली ट्रिप में आए हुए हैं, तो जॉइन टू द जर्नी। और आगे आगे मैं आपको सारे चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगी, सो जॉइन टू द जर्नी। सो किला इंटर करने से पहले आपको जो है ना, आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर पे आपके सारे प्राइसेस वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हो एंड उसके बाद आप इंटर कर सकते हो किले में। तो वहाँ पे गाइड की भी फैसिलिटी है। अगर आपको गाइड चाहिए तो आपके लिए, आपको उसके लिए ना चार्जेस देने होते हैं। और आपको गाइड अगर नहीं चाहिए तो आप एज इट इज़ भी घूम सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने ना गाइड रखा था क्योंकि हमें जो यहाँ की हिस्ट्री है ना वो जाननी थी, एंड वो गाइड से बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि क्या होता है ना कि इतिहास के इतने सारे जो सीक्रेट्स रहते हैं एंड जो भी चीज़ें रहती है ना, वो आपको एक गाइड अच्छे से गाइड कर सकता है, आपको वो अच्छे से बता सकता है। हम लोग आए थे और हम लोग यहाँ की हिस्ट्री जो है ना वो जानना चाहते थे, और गाइड के साथ हमने लिया था क्योंकि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं आपको पहुँचाना चाहती थी, आप तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। आप जैसे आगे देख रहे हैं ना, तो ये सारे अभी लगाए गए हैं। इसके पहले जो है ना ये खाई हुआ करती थी, ये साइड में, और एक साइड वॉल था और दूसरे साइड ना खाई हुआ करती थी। ये अभी सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पे जितने भी रॉड्स हैं ना ये न्यू लगाए गए हैं। मैं ना आपको पहले ही सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं ना उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉइजेस सुनाई पड़ सकते हैं, एंड वो है कुकू की नॉइज़। क्योंकि बहुत ही काफ़ी सनी डे था, उसको थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, धूप में वो नहीं रहती है जनरली, उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसकी आपको बीच बीच में आवाज़ मिल सकती है, सॉरी फॉर दैट। और ये है हमारे गाइड जो हमें गाइड करेंगे एंड यहाँ की हिस्ट्री हमें बताएंगे। आपका जन्म 9 मई 1514 के अंदर यहाँ पर हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है ना। जो उनका बर्थ प्लेस है वहाँ पे काम चल रहा है रिनोवेशन का, जो अपन बाहर से देख पाएंगे, ठीक है ना। 19 जनवरी 1597 में उनकी डेथ हुई थी चावन के अंदर, उदयपुर के पास में जो पड़ता है। माना प्रताप के फादर उदय सिंह, उनके फादर राणा सांगा, उनके फादर राणा रायमल, उनके फादर महाराणा कुंभा, जिन्होंने ये कुंभलगढ़ बनाया, ठीक है ना, उनके दादा के दादा ने, ठीक है ना। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 में हुआ था, 1403 के अंदर हुआ था, और इनका मर्डर हुआ था 1468 के अंदर, ठीक है ना। इनके दो पुत्र थे उदय सिंह, उदयकरण, इतिहास में दो नाम आए हैं, एक ही इंसान है, ठीक है ना। और सेकंड पुत्र था राणा रायमल। उदय सिंह उदयकरण ने ही गद्दी जल्दी पाने के लालच में अपने फादर का मर्डर कर दिया था, ठीक है ना। वो भी 1468 से 1474 तक चला, फिर आगे राणा रायमल, ठीक है ना, और उसका नाम इतिहास से हटा दिया गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, माना उदय सिंह के फादर राणा कुंभा, राणा सांगा के राणा रायमल, और राणा रायमल के महाना कुंभा, मतलब उसका नाम हटा दिया गया इतिहास से, उसका नाम कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाला जो किला बना है ये 1443 से 1458 के अंदर 15 साल इस किले को बनने में लग गया। अपन बात कर रहे हैं अभी 15th सेंचुरी की, है ना, जो था, है ना। मौर्य साम्राज्य के राजा संप्रति अपनी प्रजा के साथ यहाँ रहा करते थे, तो ये गढ़ उनका जब का है, अच्छा 6th सेंचुरी का, है ना। चलते हुए आक्रमणों को लेकर के ये ध्वस्त हो गया था, है ना। तो उन्हीं के अवशेषों से महाना कुंभ ने 1440 से 1458 में इस किले का निर्माण कराया, है ना। इसलिए इस पूरे किले के अंदर 360 टेम्पल है, 360 मंदिर है, ठीक है ना। 300 टेम्पल है वो जैन समाज के जैन टेम्पल है, और 7 टेम्पल जो है वो महाना कुंभा ने बनवा हिंदू समाज के है। तो 300 टेम्पल चले गए 6th सेंचुरी के, ठीक है ना, और 15th सेंचुरी के आगे 7 टेम्पल, अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जो सबसे पहले राजा थे वो जैन थे, वो जैन थे, वो बौद्ध धर्म के थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, अच्छा, ठीक है ना। ये जो आप फर्स्ट टेम्पल देख रहे हैं ये गणेश जी का टेम्पल है, अच्छा, किधर किधर में, ये वाला ये गणेश जी का टेम्पल है, ठीक है ना। चतुर्थी पे ओपन होता है, बाकी बंद रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है,
और वो वाली टेम्पल सब बता रहा हूँ सर, मैं सब बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ लग रही है सामने, ये वेदी मंदिर है यज्ञशाला। जब भी युद्ध पर जाते थे तो पहले यहाँ पे हवन पूजा करते थे, उसके बाद युद्ध पे जाते थे, ठीक है ना। लास्ट टेम्पल देख रहे हैं वो पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर। ये वाला जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये शिव जी का टेम्पल है, शिवलिंग। मानना कुंभ की हाइट बताई जाती है 809 फीट, 8.3 फीट समथिंग, ठीक है ना। तो वहाँ जो शिवलिंग है 4.7 फीट की है, 4.7 फीट की है। देखते हैं तो ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, लेवल में आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। वो आप ये जो सब देख रहे हैं ये सारे जैन टेम्पल है। चलते तो आक्रमणों को लेकर के ध्वस्त हो गया था, तो कुछ की स्थापना हुई कुछ की नहीं हुई, कुछ में स्टैचू है कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जबकि एजेटी जैसे जैसे रखे हुए हैं। ये किला 6th सेंचुरी का है। इतिहास में दो बातें आती है, आपने पढ़ा होगा मैं यहाँ पे शिव जी के मंदिर में गया था, पर कुछ लोग बताते हैं कि चित्तौड़ के अंदर शिव जी का मंदिर है वहाँ किया था। अच्छा, है ना। ये जो किला है इसको मेवाड़ की आँख कहते हैं। ये किला बनने से मेवाड़ और मारवाड़ अलग हो गया है, ठीक है ना। ये किला बनने से, ठीक है ना। ये इनका लिविंग फोर्ट नहीं है, फर्स्ट बात तो सर ये लिविंग फोर्ट नहीं है, है ना। पूरे राजस्थान में 84 किले हैं, इसमें से 32 किले महाना कुंभा ने खुद बनवाए। फर्स्ट आता है चित्तौड़गढ़ का और सेकंड आता है कुंभलगढ़ का, पर सिक्योरिटी के पर्पज से फर्स्ट ये वाला आता है कुंभलगढ़ का, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी है, ऐसा कोई लग्जरी नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऊपर, सिर्फ सिक्योरिटी है। अब ये लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे युद्ध होता था तो आकर रहते, अदरवाइज नहीं, है ना। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, अपने विश्व में दूसरे नंबर पे आती है, इंडिया की पहले नंबर पे आती है, ठीक है ना। पूरी 36 किलोमीटर फैली हुई है। ये जो मकान वगैरह दिख रहे हैं इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के पीछे से होती हुई पूरी आगे मिल रही है 36 किलोमीटर ऊपर से दिखेगी। हाँ, ऊपर से दिखेगी सर। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में 10 किलोमीटर ध्वस्त होगी या गिर गई, पर इतिहास में 36 आया, अपन को 36 ही मानना पड़ेगी सर पूरी। अगर मैं बता दूं आपको 10 काट के तो फिर वो इतिहास का गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इसकी लेंथ होगी 4 मीटर और 30 फीट समथिंग ऊंची है ये। अच्छा, ठीक है ना। इतिहास में आया 4 घोड़े एक साथ इसके ऊपर पूरे पे पेट्रोलिंग करते थे, ठीक है ना। चाइना का पता आपको? उसकी जो लेंथ है वो कम ऊंची और कम लंबी है। अच्छा, 2.5 ही है। अच्छा, ये 4 मीटर बता रहा हूँ, 2.5 है, और ज्यादा से ज्यादा वो 20 फीट है, ये 30 से 35 फीट है, ठीक है ना। उसको 2000 साल लगे बनाने में, इसको 15 साल लगे बनाने में, उसको 30 लाख लोगों ने मिलकर बनाया और इसको 20,000 लोगों ने मिलकर बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेवी गार्ड है वो, 2 लाख लोगों की बॉडी समथिंग समथिंग वही चुनवा दी गई दीवारों के अंदर। यहाँ पर सिर्फ एक ही नर बलि है, बाकी और कुछ नहीं है। वाह, वेरी नाइस, रिच इंडियन ट्रेडिशन। बलिदान दिया था, करती थी, और यही डैम वगैरह नीचे पानी के अंदर बने हुए हैं। आप ये जो वॉल देख रहे हैं, वॉल के अंदर आप होल देख रहे हैं, युद्ध के समय उसमें से तीर चलते थे। आप इसका डिजाइन देखिए, यहाँ से सारे बाहर जाएंगे पर बाहर से कुछ ही अंदर आ पाएंगे। ये उल्टा रिचार्ज हो गया, मैं आपको बताया ना, यहाँ पे यही खेती वगैरह होती थी, 18 से 20 लोग पड़े खा सकते हैं, भोजन टूट उसका गया, ठीक है ना। ये उल्टा रिचार्ज हो गया, वापस यही तीरबाजी के अंदर शाहबाज खान मारा गया, अब 1579 के अंदर माना पता की जय जयकार हुई, वापस उनका राज्याभिषेक यहीं पर हुआ। तो अब बात कर लेते मेरे आउटफिट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे बेज कलर का ट्राउजर और कुर्ती पहना हुआ है, उसी पे मैंने प्रिंट की दुपट्टा ले हुई है जो की पिंक कलर की है, एंड मैंने यहाँ पे ओपन हेयर रखा है और मैंने स्टेटमेंट इयर रिंग्स पहनी हुई है। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। पर यहाँ से अगर अपने उस पहाड़ी के ऊपर संकेत देना है तो बरसात के अंदर धुआं करते रहते हैं, धूप के अंदर मिरर रिफ्लेक्शन करके एक दूसरे को आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे संदेश पहुँचाया जाता। ये मेन वॉच टावर था जो मिलिटर होता था, ठीक है ना। ये वाला हाँ जो मिलिटर होता था यहाँ पर खड़ा होता था, ठीक है ना। गुमराह करने के लिए, अच्छा है ना। अगर आक्रमी वहाँ से आते हैं तो वही बाउंड्री पे अपने सेनाएं खड़े कहीं से काउंटर अटैक करेगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में आपको जो दो टन दिख रहे हैं वो मटका टाइप बना हुआ दिख रहा है, उभरा हुआ, दिखा मंदिर टाइप का जो है, मंदिर नहीं कह रहा हूँ सर, मैं दो ऐसे से बना हुआ।
वॉल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। जहाँ पर टर्न है वहाँ पर ऐसा उभरा हुआ बना हुआ है, और जहाँ पर सीधी स्ट्रेट है वहाँ पर भी उभरा हुआ है, देखिए आप, ठीक है ना, उभरा हुआ भाग है। उस समय उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी, गूंद और पानी का लेप होता था। अच्छा, ठीक है ना। नाम सुना आपने मोइटर लिजार्ड, गोयरा गोयरा बोलते हैं जिसको, एक चिपकली होती है, कम से कम उससे 4 से 5 फीट लेंथ होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट होती है, 36 तरह की उसकी प्रजातियां होती है। अच्छा। आक्रमियों उसको मांस फेंक करके ऊपर चलाते थे। अच्छा। उसके पेट पर रस्सी बांध के ऊपर चढ़ते थे। अच्छा। तो उसकी ग्रीप ना बने, स्लिप हो जाए, इसलिए अच्छा। उसको ऐसा उभरा बनाया है, इसकी सिक्योरिटी है। ऐसे पूरे 36 किलोमीटर में 700 मटके हैं, 700 मटके हमारे एंसेस्टर्स हम लोग से ज़्यादा चालाक हैं, लेकिन एंड दैट टू नॉलेजेबल। यस, अभी उनके बारे में इस पर तो हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं, उनकी चीज़ों को खोद के फिर उन्हीं के और इतना जो उस टाइम का किला इतना स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी तक इतना अच्छा है। हमारी तो पसीने छूट गए यहाँ चढ़ते चढ़ते। इट इज टू सनी डे एंड दैट टू इंक्लिनेशन। भैरव पुल जहाँ मैंने आपको बताया था, भैरव बाबा ने जहाँ, हाँ वो देखा था, यहाँ पर काफी भारी मात्रा में वो ज्यादा लगे हुए हैं। इसको लास्ट सिक्योरिटी गेट भी बोलते हैं, क्योंकि माना कुंभ ने चित्तौड़ का आर्किटेक्ट किया था, और चित्तौड़ को देखते हुए इसको आर्किटेक्ट किया है ना, कि अगर सारे नीचे की गेट की अगर सिक्योरिटी टूट जाती तो यहाँ से आगे ना जा पाए। अच्छा, ठीक है ना। उस समय हाथी वगैरह पे आते थे, घोड़े वगैरह पे आते थे। उन साइड में आ जाइए, है ना। तो घोड़े से तो गेट खुल पता नहीं था, तो हाथी से गेट खुलवा देते हैं। तो इन किलों के अंदर पॉइजन भरा करते थे, ताकि वो टच हो जाए और हाथी मिलकर में खत्म हो जाए, ठीक है ना। अगर आते में उसी टेक्निक भी लगा लेते हैं उन किलों से बचने के लिए, फिर भी ये गेट को नहीं खोल पाते, क्योंकि अगर हाथी को अगर ये गेट खोलना है तो उसको पहले पीछे आना पड़ेगा, फोर्स से आगे जाना पड़ेगा। इन्होंने जगह ना दे करके टर्न दे दिया, ठीक है ना। सामने होता तो खुल जाता, पर टर्न दे दिया। और यहाँ पे हमें एक लेडी मिली जो कि पानी सर्व कर रही थी मटके में, फ्रेश वाटर, कुएं का जो पानी है वो लेकर के आई थी, और वो सर्व कर रही थी। आप अपने अकॉर्डिंग उनको पैसे दे सकते हो, एंड वो ग्लास लेकर के बैठी थी, वो सबको ठंडे ठंडे पानी सर्व कर रही थी। और इतनी गर्मी में ना ये पानी पी के तो जस्ट मज़ा ही आ गया था। ये तोप खाना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया जैसे मानव कुंभ के समय तोप नहीं थी, तो उस समय ये जेल खाना था, कैद खाना वाला, था वाला? ये वाला, पीछे वाला, वो वाली जेल था, या फिर जेल खाना था, ये पहले जेल खाना था, खाना कैदी खाना बोल सकते हैं अपन। कैदी वगैरह को ला करके यहाँ रखते थे, बाद में माना पता की 20वीं पीढ़ी फतेह सिंह जी ने 1884 के अंदर इसका रिनोवेशन करा के यहाँ पे 4 तोपें रख रखी है, और कुछ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये 15वीं सेंचुरी का, हाँ तोप है, 4 है 4, हाँ 4 रियल तोप है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये 15वीं सेंचुरी का कुंभ साहब के समय का कुंभ महल है। अपन अभी चलेंगे चौगान पुल की सेफ्टी को देखते हुए, इमेजिन तौर पर वाटर टैंक बनाया गया है ना। अगर आक्रमी ऊपर तक आ जाते हैं तो पानी तो है, नीचे है डैम है, कुएं पर्याप्त मात्रा में है, पर नीचे है, इस गेट से आ जाते हैं तो क्या करते हैं, तो बरसात के पानी को यहाँ इकट्ठा करते थे, उसको यहाँ से मैनुअल निकालते हैं। अभी आप देख कर रहे हैं उसको, वहाँ मैनुअल छानते हैं, और आप रोज झुक के देखेंगे आगे टूटा हुआ बॉयलर के कुछ अंश पड़े हुए हैं, वहाँ बॉयल करते थे पूरा आरओ सिस्टम मैनुअल। माना प्रताप का जन्म स्थल 9 मई 1514 के अंदर माना प्रताप का जन्म यहाँ पर हुआ था, इसको कटारगढ़ बोलते हैं। हाँ, पूरा महल है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, बन जाए। अच्छा। इसको कटारगढ़ बोलते हैं। हाँ। पूरा हाइट पर है वो। हाँ। दिख रहा है आपको, ऊपर से दिखेगा। हाँ। पूरा हाइट पर है वो। हाँ। ठीक है ना। ये 9 नंबर गेट है, लास्ट गेट। हाँ। पगला बोल युद्ध वगैरह जीतने के बाद रानियां और राष्ट्रीय पगड़े पहना करके तिलक लगा के स्वागत करती थी, वेलकम। आइए, अब इनका प्लेस आएगा।
बास्केटबॉल है, कुछ नया कुछ पुराना रिनोवेशन कर रखा है तो बोलो बास्केटबॉल। अच्छा ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम घोड़ों का सामान वगैरह पूरा घोड़े का है इसमें। आइए। अरे ये घोड़े का रूम है, ये जो छोटा छोटा देख रही हो अस्तबल, और यहाँ पे महाराणा प्रताप का घर, ये वाला महाराणा प्रताप का घर है। ये है कुंभा महल और इसके अंदर आज भी नवदुर्गा माता की प्रतिमा स्थित है, जिनको मेवाड़ में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अंदर में ना आप देखोगे कि अखंड ज्योत भी मौजूद है जो कि लगातार जलती रहती है। जिधर नौ दुर्गा चामुंडा माता, ठीक है, सामने आप जो तो कक्ष देख रहे हैं, ये हथियार कक्ष हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना। महाराणा कुंभा पहले पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, यहाँ से हथियार लेकर के दिल्ली मंदिर में जाते, बताया आपको मैंने, वहाँ यज्ञ करते हैं, उसके बाद युद्ध में जाते हैं, ठीक है। सामने सामने आप कमरा देख रहे हैं जो बंद है, वो पहले पुजारी का हुआ करता था, बाद में उनको नीचे शिफ्ट कर दिया गया। वो लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर, आपने पूछा घर किसके हैं, ये माँ जी का ही है, ठीक है। पास में आप जो कमरा देख रहे हैं वहाँ मंदिर का प्रसाद वगैरह बना था, और यहाँ पर सैनिकों में बैठा करते थे, क्योंकि ये 15वीं सेंचुरी का कुंभा शासन समय का कुंभा महल है, और ये कमांडो बैठा करते थे बाहर सैनिक। ये सर 15 सेंचुरी का कुंभा शासन समय का कुंभा महल है, ठीक है ना। हर फोर्ट में दो पार्ट होते हैं, जनाना और मर्दाना, ठीक है ना। ये वाला जनाना पार्ट है, फीमेल पार्ट। उस समय पर्दा पता थी, जलिया देख रहे हैं आप, ये पूरा लेडीज पार्ट है, अगर आते थे तो रहते थे, अदरवाइज ये लिविंग फोर्ट नहीं था, ठीक है ना। मेल पार्ट इधर है, ठीक है ना। अब जाके आइए अंदर, सच आगे से व्यू है, देख के आइए, फिर अपन ऊपर चलते हैं। As you can see, यहाँ से कितना सुंदर व्यू है, एंड वी आर ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट, एंड यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पूरा किचन है, ठीक है ना, रॉयल किचन। नीचे से देखेंगे आपको किचन नहीं लगेगा, और अपन ऊपर जाएंगे जिसकी चिमनियाँ दिखाई देगी, कुछ है कुछ टूट गई। थूकते हैं, नाम वाम लिखते हैं, हाँ, उससे तो बेटर है कि बंदी रहता है, ये पूजा करते हैं, नहीं इनका दिन होता है जब पूजा करते हैं, वो उदयपुर से आते हैं सिटी प्लेस से, अब इसको बंद कर देते हैं जी, तो अभी छोटा मोटा उसका काम चल रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं, अपने अभी नीचे देखा, महल वही खत्म था, किला मतलब, है ना, ये सब पहले खंडर पड़ा हुआ था, ठीक है ना, ये खंडर पड़ा हुआ था। माना पता कि 20वीं पीढ़ी फतेह सिंह जी ने 1884 के अंदर इसका रिनोवेशन कराया, इसका नाम बदल महल रखा। बदल महल इसलिए कहते हैं बरसात में बादलों से ढक जाता है, हाइट पर है, इसकी हाइट सी लेवल से 1100 मीटर, फीट के अंदर 3567 फीट, ठीक है ना, ये हाइट के ऊपर है। इसके अंदर भी दो पार्ट है, इसको फतेह महल भी कहते हैं, है ना, फतेह महल भी कहते हैं इसको, फतेह सिंह जी बनवाया, इसलिए इसमें भी दो पार्ट है, जनाना और मर्दाना। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जो बंद है, वो मर्दाना पार्ट है, ठीक है ना। अपन भी जाएंगे जनाना पार्ट। पूरा फीमेल पार्ट है, और दोनों पार्ट के बीच में एक दीवार आप देख रहे हैं, दीवार है, ठीक है ना। मेल पार्ट में से एक सुरंग होकर निकलती है इधर फीमेल के अंदर, जो भी बंद कर रखी है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं सामने गोल गोल, यहाँ पर तो यहाँ पर मसाल बनते हैं, मसाला 30 किलो रुई और 50 किलो तेल डाल करके वो पूरे गांव को उजाला होता था, क्योंकि उस समय दीवारी थी, मैंने आपको बताया खंडर पड़ा हुआ था, ये इसका रिनोवेशन हुआ 1884 में, पहले ये यहाँ पे मसाल जलती थी तो पूरे गांव को उजाला हुआ करता था। 1100 मीटर हाइट पर है अपन अभी, यार सी लेवल से 3567 फीट, ठीक है ना। यहाँ जो चौगान देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी वगैरह होती पुरानी है, वहाँ से बैठे देखा करते हैं, ये स्टोर रूम है, ठीक है। रानियों के यहाँ पे चार रूम है, दो रूम ऊपर है, दो रूम नीचे है, ठीक है ना। ऊपर वाले रूम दो बंद है, नीचे वाले चालू हुए, ठीक है ना। हर रूम के बाहर एक छोटा रूम दिखाई देगा, सॉरी वो दसी का हुआ करता था, ठीक है ना। वो पूरा इको रूम है, अंदर से आवाज गूंजती है, बुलाने का सिस्टम क्लैपिंग सिस्टम हुआ करता था, ठीक है ना। फिर चलते हैं,
जो विंडोज है ना इसमें कांच लगी होती थी और गर्मी के टाइम पे इसमें कांच नीचे हो जाती थी हवा के लिए। किधर चाबी लगती है? हाँ पे चाबी लगती है, कांच शीशा ऊपर नीचे होता है ठंडा गर्मी के साथ। बलिदान दिया था, हाँ जिन्होंने बलिदान दिया था इतिहास में कहा जाता है उनका धड़ इतना ऊपर तक चढ़ के आया था, किला यहाँ तक बना, एंड विदाउट हेड, धड़ ओनली। हाँ जो आपने बोला था कि वहाँ पे कटा और जितना ऊंचा बनेगा वहाँ तक चल के आएंगे वहाँ तक। दिस इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और यहाँ पे जो है ना आप कुछ देख रहे हो डैमेज पार्ट भी है, आई गेस उसी टाइम में हुआ होगा या फिर कुछ ना कुछ यू नो क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। और यहाँ पे आने के बाद व्यू बहुत ही अमेजिंग आती है, पूरा किला यहाँ से दिखता है एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट। और दिस इज़ द व्यू जो कि आपको और टॉप का व्यू है जो यहाँ से दिखेगा आपको किले के ऊपर से। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे थम्स अप देना बिल्कुल ना भूले एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।